थाना क्षेत्र के सहजपुर बरखेड़ा गांव में सरकारी जमीन पर से रास्ता निकालने को लेकर दो पक्ष आपस में भिड़ गए। इस दौरान हुए खूनी संघर्ष में दोनों पक्षों के एक दर्जन से ज्यादा लोग घायल हुए। भेड़ाघाट में रविवार को दो पक्षों में जमकर खूनी संघर्ष हुआ। इस घटना में जमकर लाठी और रॉड चले, जिससे दोनों पक्षों के एक दर्जन से ज्यादा लोग घायल हुए। विवाद में किसी का सिर फट गया तो किसी के हाथ पैर टूट गए। घटना में घायल हुए लोगों को मेडिकल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जाता है कि यह विवाद सरकारी जमीन पर से रास्ता निकालने को लेकर हुआ। गांव में रहने वाले प्रभुलाल कुशवाहा सरकारी जमीन से रास्ता निकालना चाह रहे थे, लेकिन नारायण और उसके परिवार को इस पर आपत्ति थी। इस बात को लेकर विवाद शुरू हुआ और यह विवाद खूनी संघर्ष में तब्दील हो गया। दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर लाठी रॉड से हमला कर दिया, जिसे एक पक्ष से 8 और दूसरे पक्ष से 5 लोग घायल हुए। घायलों को इलाज के लिए मेडिकल अस्पताल में भर्ती किया गया है। सर हम लोग सहजपुर बरखेड़ा से आए हैं और जमीन से विवाद हुआ है और 8 लोग घायल हुए हैं। कौन लोगों ने मारा है? राजू गोविंद लोगों ने, नारायण लोग, नारायण जमीन के कारण। सरकारी जमीन है तो रास्ता नहीं दे रहे थे निकलने के लिए। किस चीज से मारा है? जो लक्ष राज और हाथ से है, चीज से मतलब 8 लोग हैं हमारे घर से। प्रभुलाल कुशवाहा, दीपक और सतीश कुशवाहा, सुनील और लोकराम राकेश साहब। तो वहाँ पर लड़ाई होने लगी तो फिर बीच में नारायण भी आ गया। उन्होंने हमारे सर में लोहे का पाइप मारा है, राजू ने, गोविंद ने और बिहारी ने और नारायण ने। तो हमारा खपड़ गया से खून निकल के वहीं गिर गए हम। वो कहा है जमीन है सरकारी, खेरमाई मंदिर है वहाँ पर सरकारी जमीन है, तो ये कब्जा कर रहे हैं मंदिर। मान के चलो कोई वो बन जाए, क्या कहते हैं, भवन ममन, तो कम से कम मोहल्ला का विकास भी रहे। तो जी कब्जा करके इन मर्जी बर्बादी है। हम लोग मना भी कर रहे थे तो जीवन हमारे से कल इन कल भी मारा है। मतलब हमारे पिताजी और चाचा जी जा रहे थे खेत, जो लोग 15-20 लोग थे, हथियार लिए थे हाथ में। हम हमारे पिताजी पर हमारे चाचा को छेंका और मारने लगे, बसाव तलवार लिए थे। लड़का को मार रहे थे, हम बरकाने गए थे, उन लोगों ने राइजर मार दिया हमारे हाथ में, तो हमारा हाथ लटक गया। तो हम उनको बरकाने लगे तो दूसरे लोगों को उनने झपड़े आगे मारा उनने। ये बड़े खेरई के नारायण है, सीताराम है, राजू है, गोविंद है, बिहारी है। 9 बजे मारा पीटी हुई है। सरकारी जगह रही वहाँ पर, हम लोग इन लोगों को कल बता रहे थे कि हमारा राम रास्ता है, हम निकलना है, आना जाना रहता है। इन लोगों ने निकलने के लगे, ठीक है हम इसको बंद करके खोल देंगे इसको, तो उन लोगों ने बंद कर लिया। वहाँ से वहाँ निकलने नहीं दे रहे हैं। क्या करते हैं? खेती किसानी करते हैं। कल सहजपुर बड़घेरा गांव जो थाना भेड़ाघाट में आता है, उसमें प्रभुलाल कुशवाहा और नारायण कुशवाहा के बीच सरकारी जमीन में रास्ते निकालने को लेकर विवाद हो गया और दोनों पक्षों में जमकर मारपीट हो गई, जिसमें दोनों पक्ष के लगभग 13 लोगों को चोटें आई हैं। प्रभुलाल और नारायण पक्ष दोनों जब थाने आए तो चोट गंभीर होने थे। दोनों पक्षों के विरुद्ध धारा 307 भारतीय दंड संहिता का अपराध पंजीबद्ध किया गया है। कुछ घायल जो है वो अभी इलाजरत है और इसमें विवेचना की जा रही है, और जो भी व्यक्ति इसमें शामिल है दोनों पक्षों में, उनको इसमें गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल पुलिस ने दोनों ही पक्षों पर प्रकरण दर्ज कर घटना की जांच शुरू कर दी।